हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नेमी का मॉक टेस्ट लेके आए हैं। आईटीआई के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सीबीटी बेस्ड, उन सारे में नेमी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये उसके कुछ गाइडलाइंस हैं, तो इसके बारे में हम आपको पहले वीडियो में ही बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोलने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है। मतलब ऐसा कौन सा चीज़ होता है जिसको खोलने पे हम लोग को अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो चलाते हैं। तो इसके लिए एक हमारे कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र होता है। क्या होता है? वेब ब्राउज़र, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी चीज़ को कनेक्ट करते हैं और गूगल पे उसको खोजते हैं। आगे बोला है कि विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है। अब इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज़ के लिए, तो वो सबसे पहले हमको तो एक प्लांट बनाना पड़ेगा, यानी कोई कार्यशाला बनानी पड़ेगी, और उसमें जो यंत्र लग रहा है, जिस भी प्लांट को हम खोल रहे हैं उसमें जितने भी यंत्र लगते हैं उसको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बोला गया है कि कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं, यानी ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें हम कुछ स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। वीडियो टेप में स्टोर करके रख सकते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव में हम लोग रख सकते हैं, मेमोरी कार्ड में भी हम रख सकते हैं, लेकिन प्रिंटर में हम कोई भी स्टोरेज नहीं रख सकते हैं। आगे दिया गया है कि शोर, गर्मी तथा ठंडी वाले शारीरिक असहजताओं के अंतर्गत क्या आती हैं। तो इसमें आप देखिएगा तो जो शोर, गर्मी, ठंडी, ये सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना, तो ये सारे इन्वायरमेंट बैरियर यानी पर्यावरण बाधा के अंतर्गत आती है। आगे बोला गया है कि रोहन, द्रविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। इसमें रोहन और द्रविड जो है वो दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते हैं, इसीलिए हम इसके बीच में कॉमा का प्रयोग करेंगे। आगे बोला गया है कि मानव प्रयासों में सही और गलत का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हमारे स्कूल्स में एक सब्जेक्ट होता है एथिक्स। क्या होता है? एथिक्स, जिसमें हमें सही और गलत के बारे में पढ़ाया जाता है। आगे बोला है कि अग्निशामक विधि में भुखमरी क्या है। भुखमरी का अर्थ है मतलब किसी भी चीज़ को कम होना। तो अग्नि को जलने के लिए क्या चाहिए? ईंधन चाहिए। अगर ईंधन इलिमिनेशन हो जाए, ईंधन की जो सीमा है वो कम हो जाए, तो उसको एक तरीके से अग्निशमन की भुखमरी कहेंगे। आगे बोला गया कि सक्रिय आवाज़ में कौन सा है, मतलब सक्रिय यहाँ पे कहने का मतलब है एक्टिव वॉइस में कौन सा है। तो जब हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो हम ये जानते हैं कि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें बाई लगता है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें बाई नहीं है। राम हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम। आगे बोला गया कि MS Excel में वर्कशीट के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है। तो जो वर्कशीट के जो संग्रह होते हैं उसको हम लोग वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक में हम अपने एक्सेल के कार्य को करते हैं। आगे बोला गया कि आर्थिक विकास में उद्यमी की क्या भूमिका होती है। अब जो उद्यमी होता है वो जितना प्रोड्यूस करेगा उसके पास पैसे आएंगे और वो दूसरे को भी पैसे देगा, इससे वो प्रति व्यक्ति आय यानी हमारे जो GDP है उसमें सुधार करेगा। प्रति व्यक्ति आय जो है वो हमारी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कहने का मतलब ऐसा कौन सा डिवाइस है जो अंदर रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग जॉय स्टिक। एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। आउटपुट के अंदर प्रिंटर्स आ जाएंगे, मॉनिटर्स आ जाएंगे, स्पीकर्स आ जाएंगे, क्योंकि ये लोग हम ये कंप्यूटर के बाहर हम लोग बाहर से हम लोग इसमें अटैच करते हैं, लेकिन जॉय स्टिक जो है वो अंदर ही होता है। आगे दिया गया कि कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है। अब मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले होना चाहिए कि नर्वसनेस, यानी जरा सा भी घबराहट हमको नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रैंकली और कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग बोले। आगे दिया गया है कि कचरा शब्द में इस्तेमाल किए जाने वाला नाम क्या है। तो कचरा शब्द को हम लोग मुदा भी कहते हैं, मुदा। कौन सा फार्मूला सही है, तो ये Q=P/Q जो फार्मूला है वो सही है। आगे दिया गया है कि उच्चारण को प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू, यानी उच्चारण किसको संदर्भित करता है। तो उच्चारण वही चीज़ होता है जो हम लोग कोई भी चीज़ बोलते हैं, यानी प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी ध्वनि जो हम लोग बोलते हैं उत्पादित करते हैं उसी को हम लोग उच्चारण कहते हैं। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को क्या कहा जाता है। तो जो विचार है, किसी की वस्तु है, प्लेटफॉर्म हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज बोलते हैं, कि एक तरीके से एडवर्टाइज कर रहा है। आगे दिया गया है QMS का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी QMS का पूर्ण फॉर्म क्या है। तो ये होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली।
आगे दिया गया है कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना ही सूचना का आदान प्रदान शामिल होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें हम लोग नॉन वर्बल बोलते हैं उसको। वर्बल मतलब जो उसके आदान प्रदान में शामिल हो और शब्दों के बिना आदान प्रदान शामिल हो तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन वर्बल। आगे बोला है कि CPU से क्या तात्पर्य, यानी CPU का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बोला गया कि कारखानों के अनुसार 1948 कैंटीन को कारखाने में उपलब्ध कराया जाना चाहिए यदि श्रमिकों की संख्या अधिक है। तो 1948 में जो अधिनियम आया था उसमें ये बोला गया है कि अगर कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 250 से ज़्यादा है तो एक कैंटीन होना अनिवार्य है। वी वेंट टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, इसमें हमको भविष्य काल में कौन सा टेंस लगेगा वो पूछना है। देखो वेंट पहला ऑप्शन दिया है, वेंट तो फ्यूचर, वेंट तो पास्ट के लिए हो जाएगा। दूसरा दिया है आर गोइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तीसरा दिया है हैड, हैड भी हम लोग पास्ट में यूज करते हैं, सिर्फ एक विल ऑप्शन में ऐसा दिया है जो फ्यूचर में आता है। आगे बोला गया कि कौन सा प्रमाणित IOS मानक नहीं है। तो IOS माइनस 1930 यानी 9010 जो है वो IOS के अंदर मानक के अंदर नहीं आता है। WAN यानी WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। आगे दिया गया कि ओजोन लेयर किससे बनी होती है? तो जो ओजोन लेयर होती है वो तीन ऑक्सीजन परमाणु O3 तीन ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनी होती है। आगे दिया गया है कि अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को प्रदान करती है? तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन दिया है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के क्वेश्चंस खत्म हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।